क्या फिर से खरीदी करोड़ों की कार पवन सिंह ने? जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह ने जगुआर की गाड़ी खरीदी है। और अगर ये खबर सच है तो पवन सिंह से बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी में और कोई नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी कार सिर्फ अमिताभ बच्चन के पास है, सचिन तेंदुलकर के पास, ऋतिक रोशन के पास है और शाहरुख खान के पास है। जी हाँ, ये महंगी कारें हमारे बॉलीवुड के शहंशाह, बादशाह और खानों के पास है। तो ऐसे में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कार पवन सिंह ने खरीदी है, तो ये कार पवन सिंह को भोजपुरी का वन ऑफ द रिचेस्ट सुपरस्टार बनाती है, यानी कि सबसे अमीर सुपरस्टार बनाती है। लेकिन इन खबरों को सोशल मीडिया पर बहुत हवा मिल रही है। फिर जब इन खबरों की तह तक जाया गया तो पता चला कि पवन सिंह ने ऐसी कोई कार अभी फिलहाल अपने लिए बुक नहीं की है। अदरवाइज पवन सिंह जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से या फिर अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते हैं। अगर वो नहीं दे पाए तो उनके फैंस ज़रूर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसी खबरें आई हैं। वैसे भी रेंज रोवर अकेले इकलौते भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के पास है, जो कि करोड़ों की कार है। और अगर जगुआर भी पवन सिंह ने खरीद ली है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, तो हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी खबर की पुष्टि अभी तक पवन सिंह की तरफ से या पवन सिंह के करीबियों की तरफ से नहीं की गई है। तो इस खबर की पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन हाँ, पवन सिंह के लिए ये कोई बड़ी कार नहीं हो सकती, क्योंकि पवन सिंह रेंज रोवर यानी जगुआर से भी महंगी रेंज रोवर यूज़ करते हैं। और अगर पवन सिंह वो कार यूज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये कार कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है पवन सिंह के लिए। तो खैर, हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी खबर मिलेगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।